गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आयुष ब्लॉग में स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। फ्रेंड्स आज हम लोग जाने वाले गली स्ट्रीट कोलकाता का सबसे बड़ा पेट मार्केट। दोस्तों ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं सीधा डायरेक्ट नीचे। गाइस अभी मतलब बस तो मिला नहीं तो हम लोग टैक्सी करके अब जा रहे हैं। पीछे मामा बैठे हैं और वंशिका बैठी है। मामा कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग जा रहे हैं अभी गली स्ट्रीट, वहाँ पर दो मार्केट देखेंगे, पेट शॉप वगैरह देखेंगे, रॉट व्हीलर, जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग अभी देखने को जा रहे हैं, अभी दिखाएंगे थोड़ा देर में आप सबको। तो अभी मतलब फटाफट से टैक्सी में बस का वेट किया हम लोग, 15-20 मिनट वेट किए पर बस मिला नहीं हम लोग को। तो टैक्सी फिर मिला तो फटाफट टैक्सी करें चलेगा, फिर जल्दी भी आना है। और पीछे वंशिका बैठी है, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। होए होए ओ चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना। बस हावड़ा ब्रिज क्रॉस करके तो 10-15 मिनट अभी और लगने वाला है जाने में। उसके बाद जाते हैं और देखें 15-20 मिनट क्यों लगेगा कम से कम। वीडियो में बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर मारिए गाइस। जो भी गली भी स्ट्रीट आना चाहते हैं तो मतलब हर संडे को खुला रहता है, सुबह 6 से 5 बजे ऑलमोस्ट खुल जाता है, 5 से 12-1 बजे तक रहता है। तो कोई भी अगर आते तो वैसे कंफर्म करके कि मतलब संडे को ही रहता है और 5 बजे से लेकर 1 बजे तक के बीच में मार्केट खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो आपको जब भी आए तो ये थोड़ा देख के आइएगा, भोजन पहले आ जाते हैं तो वैसा नहीं है, खाली संडे को ही संडे खुला रहता है गली स्ट्रीट, बाकी दिन मतलब बंद रहे। तो आप कन्फर्म कर रहे हो? तो फाइनली मामा रुपया दे दिए और वंशिका ये रही। तो अभी टैक्सी वाला का जब अपने को मतलब थोड़ा आगे जा पैदल चल के जाना पड़ेगा आगे की तरफ अभी होगा, तो आगे जाते हैं फिर थोड़ा सा दूर है यहाँ से मतलब वॉकिंग डिस्टेंस, टैक्सी अंदर जा नहीं सकता तो बस अंदर जाते हैं। यहाँ पे तो ये फूल का मार्केट है तो यहाँ बहुत सारा फूल और है। साला ये गाड़ी वाला कब से परेशान कर गया है, यहाँ पे गाड़ी घुसाने का है नहीं फिर भी घुसा लिया गाड़ी, क्या इंसान है भाई। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? यहाँ पे आप हाँ भाई छोटा छोटा चूहा भी है, चूहा भी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए रैबिट है, बाप रे कितना के लिए आ रहे डॉग के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं लैब का है, जर्मन शेफर्ड है ये, और ये गोल्डन रिट्रीवर सो रहा है। कितना क्यूट है, मस्त है। तो ये वहाँ पे जर्मन शेफर्ड लैब का बच्चा, और यहाँ पे देख सकते हैं हस्की है। हाँ और नहीं है तो यहाँ पे हस्की। अंकल कितना प्राइस है हस्की का? 35 स्टार्टिंग। यहाँ पे लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड, इसका आपका प्राइस है 25,000 स्टार्टिंग प्राइस है। अब आप जितना रेट करना चाहे उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रॉटवाइलर सामने देख सकते हैं, इसका प्राइस आपका 30,000 स्टार्टिंग है। तो बड़ा ही प्यारा डॉग है। ज़ेब्रा ना कितना बोला? 40। दाम का तो आ गया ग्यारह हजार। पिटबुल का पूछिए,
फीमेल है इधर नाम पे की दादा सिज्जू ये आपका मिल जाएगा आपको कितना दाम है भैया इसका इसका दाम कितना है ये 20,000 के अंदर आपको मिल सकता है यहाँ पे अगर कोई लेना चाहे तो सिज्जू नाम है इसका 20,000 के अंदर भैया कौन सा डॉग है गजब बेइज्जती है और ये डोबर मैंने इसका प्राइस आप समझ जाइए 15,000 से 20,000 के बीच में मिल जाएगा आपको तो इसका क्या लेते हैं ডার্ক কালারে নেই রে ডার্ক কালারে নেই ডার্ক এন্ড পেন ডার্ক তো হবে না ডার্ক আসবে না এটা আসবে না मतलब बात बात कर रहा है रेट कितना है 20,000 बोला है यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग चेष्टा कर ले ठीक है स्टैंड सम्पूर्ण आलदा জার্মান সেবার বাড়িতে ছিল তার আরেকজন বন্ধু ছিল জার্মান সেবারই দেখবেন তারা মিটিং করাই আমি বহু দূরে এখানে থাকি ওখানে गोल्डन एक्टिवा क्या था छोटे से और भी यहाँ लैब्राडोर और सब है मतलब बैठ गए आप क्या रहे हैं